इस तरह का आंदोलन हो रहा उसी उद्देश्य से है, और उद्देश्य है कि भाजपा सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। भालूबासा चौक से मशाल जुलूस के रूप में साक्षी गोलचक्कर तक असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस झारखंड प्रदेश के बैनर के तले ये रैली निकाला गया, और आज के इस रैली के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व सांसद जमशेदपुर और तीन राज्यों के प्रभारी उपस्थित थे। बलजीत सिंह बेदी हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव है और जिला कांग्रेस के यहाँ प्रभारी है, वो हमारे सम्मानित अतिथि के तौर पर मौजूद थे। साथ में हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर लोग थे और केकेसी की पूरी टीम हजारों की तादाद में आके भालूबासा चौक से यहाँ तक मशाल जुलूस के रूप में आई और यहाँ पर नुक्कड़ सभा करके हजारों की तादाद में हम लोग आज विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। और सवाल वहीं पर है जिसका जवाब नहीं मिला, 2000 करोड़ सेल कंपनियों के द्वारा अडानी जी को, 20000 करोड़ सेल कंपनियों द्वारा अडानी जी को पैसा किसका आया, वो पैसा किसका है, क्या वो पैसा मोदी जी का है? राहुल जी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राहुल जी भरोसा कर रहे हैं? भाई यहाँ पर सारे युवा की तरफ कैमरा घुमा दीजिए, राहुल गांधी जी का घर आपका घर है कि नहीं? राहुल गांधी जी के लिए सारे युवा यहाँ तैयार है। राहुल गांधी जी अगर देख रहे होंगे आपके आज हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमारा केवल दो ही नारा था, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम युवा तुम्हारे साथ है। दूसरा सारे युवा राहुल गांधी जी के साथ है। दूसरा नारा हमारा था, बोलिए जी, मोदी अडानी भाई, देश बेच के खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई। तीसरा जिंदाबाद, तीसरा हमारा जिंदाबाद, तीसरा हम चंद्रवंशी जिंदाबाद, तीसरा हमारा कोई नारा नहीं है। और ये हमारा ये केकेसी झारखंड प्रदेश का ये कांग्रेस का नारा नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष के 130 करोड़ लोग अब ये नारा देने जा रहे हैं। और 2024 में मोदी जी को जो बोलते थे ना कि झोला लटका के आए हैं, हमको क्या है झोला लटका के चले जाएंगे, तो हम लोग विनम्र आग्रह करते हैं कि सर अब आपका समय आ गया है, झोला समेट के चले जाइए, देश को बर्बाद मत कीजिए।